हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईगा बीवर एजुकेशन में। और हमने नेशनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये करंट अफेयर्स की सीरी है जो फटाफट हम लोग रिवीजन करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2018 के एग्ज़ाम से पहले। नेशनल का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये नेशनल का दूसरा वीडियो है, पार्ट टू है। आज हम लोग नेशनल के सारे वीडियोज़ कम्प्लीट करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल और इकोनॉमी एक साथ कम्प्लीट करेंगे, और स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ऑनर्स, प्लेसेस, ऐसे करके बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग अपलोड करेंगे। पूरे पूरे है ये जनवरी से लेके सितंबर तक, सारे करंट अफेयर्स, कुछ भी नहीं छूटेगा। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हर एक करंट अफेयर्स इसमें कवर होगा। तो इसको बार बार देखिए, रिवाइज करें, आपका इसी में से ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आगे फटाफट कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो पहला जो इस पर टॉपिक है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल में इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस पर ज़्यादा ना ड्वेल करते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कि पहली बात तो ये 14 लेन की है और इसकी टोटल लेंथ 82 किलोमीटर्स है। देन उसके बाद ये जो है दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करेगी, इवन उत्तराखंड को भी ये जाएगा। सेकंड और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक साइकिल पाथ बनाई जा रही है। ये पहला एक्सप्रेस वे है जहाँ पे साइकिल पाथ अलग से 28 किलोमीटर की दिल्ली से दासना के लिए बनाई जा रही है, बाकी जितना भी है। और ये निज़ामुद्दीन जो है दिल्ली को उत्तर प्रदेश के बॉर्डर मेरठ से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो है 44th समिट ऑफ G7 नेशन। तो G7 नेशन, पहली बात तो ये है एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उसका कोई भी हेडक्वार्टर या सेक्रेटरीट नहीं होता, उसका कोई चार्टर नहीं होता, बस एक ग्रुपिंग होती है जिसमें लोग मिलते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो ये इसकी जो भी समिट हुई थी वो कहाँ कंक्लूड हुई थी, तो वो हुई थी आपके कैनेडा में, क्यूबेक की सिटी कैनेडा में हुई थी। इसके बारे में आगे जानते हैं। तो 44th जो अभी हुई है वो समिट, वो हुई है कनाडा में। जो 43rd हुई थी वो हुई थी इटली में, और अब जो 45th जो नेक्स्ट ईयर 2019 में होने वाली है, वो होने वाली फ्रांस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से समिट के बारे में बात हो रहा है। 43rd हो चुकी है, 44 अभी हुई है, और 45th अगले साल होने वाली है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये छठी बार ऐसा था कि कनाडा ने होस्ट किया है इस समिट को। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके पहले मेंबर्स देख लेते कौन कौन हैं। तो पहले 6 मेंबर्स हुआ करते थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी एंड जापान। बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कनाडा ने 1976 में ज्वाइन कर दिया। तो फिर उसके बाद ये ग्रुप जो है G7 बुलाने लग गया। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सेक्रेटरी और कोई चार्टर भी नहीं है। और इस बार का जो मीटिंग हुई है वो ये डिस्कस करने के लिए हुई है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे परमानेंटली पीसफुल ही रखें। और फिर उसके बारे में बात अगेन ये है कि रशिया ने भी इसको ज्वाइन किया था 1994 में, तब ये G8 बुलाया जाता था। बट फिर उसके बाद 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया, अगेन इसका नाम G7 हो गया। और अगले साल के समिट जो है फ्रांस में होने वाली है, 45th 2019 में। याद करने का तरीका क्या होगा कि 2019 में ये 9 है, और 4+5 क्या होता है, वो भी 9 होते हैं, ठीक है। और इस बार जो 2018 मींस 44, 4+4 8, और 2018 में भी 8 आता है। तो ऐसे ही बस ये याद करने के तरीके हैं, आपको याद आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। तो अभी ये हाल फिलहाल में तीनों जगह गए थे। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि मलेशिया की प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो आपको पता ही है मलेशिया की प्राइम मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर महाथिर मोहम्मद। ये 92 ईयर्स ओल्ड है, ये वर्ल्ड के सब ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस पर इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये सब तो MOUs जो साइन होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रीडिंग मारनी हो तो मार सकते हैं इसके बारे में। ये जो मीटिंग थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्यों, क्योंकि हम ये तीनों कंट्रीज़ जो है, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर, आसियान के मेंबर्स है। और इंडिया आसियान को बहुत इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि वो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। वो इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है। और आसियान कंट्रीज़, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब का एक ग्रुपिंग भी है जिसको RCEP कहते हैं। तो उसकी सारी कंट्रीज़ के नाम जो है RCEP में, जो जो कंट्रीज़ है उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, देखते हैं आपको ये सब पता है कि नहीं पता है।
नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अभी हाल फिलहाल में आई थी तो उसमें किसने टॉप मारा है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने टॉप मारा है। इंडिया से कौन नंबर वन पे रहा है, इंडिया से IIT बॉम्बे नंबर वन पे रहा है, उसको 162nd पोजिशन मिली है। IISc जो पिछली बार नंबर वन पे था इंडिया की रैंकिंग की तरफ से, वो इस बार 170th रैंक पे है, वो इंडिया की सेकेंड क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट हो गया है, और फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जो QS रैंकिंग में वो है IIT बॉम्बे, और उसके बाद IIT दिल्ली का रैंकिंग आता है। ये जो QS वर्ल्ड रैंकिंग है इसे दे ये कहाँ की है, ये UK की है, और तो इसके बारे में इतना ही होना चाहिए। ये एक UK की बॉडी है तो वो रैंकिंग देती है यूनिवर्सिटीज़ को ऑल ओवर द ग्लोब कि पता चल उनका रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे क्या है। नेक्स्ट है कुंडली गाज़ियाबाद पलवाल एक्सप्रेस, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, इसको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे कहते हैं, पूरा डिस्कशन हो चुका है, दोबारा टाइम ना वेस्ट करते हुए बस जल्दी जल्दी पता करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 135 किलोमीटर। प्लीज़ इसको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से ना उसको जोड़े, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 को जोड़ेगी। यहाँ पे फुल यूज़ ऑफ सोलर पावर होगा, देन उसके बाद हर 500 मीटर में यहाँ पे इरिगेशन सप्लाई भी होगी, वाटर हार्वेस्टिंग सब यहाँ पे ये भी होगा। देन ये पहला ऐसा है जो कंट्री का फर्स्ट एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, मतलब जितना व्हीकल ट्रैवल करेगी उतना उसको टोल देना पड़ेगा। यहाँ पे डिजिटल आर्ट गैलरी भी जो सोनीपत में है, वहाँ पे NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने उसको भी इनॉग्रेट किया है, और इन्होंने 36 रिप्रोडक्शन दिए हैं किसके, इंडिया ग्रेट गेटवे ऑफ इंडिया शोस्थम एक्सेट्रा, जो कि हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज को दिखा सके। नेक्स्ट है 10th मीटिंग जो है ग्लोबल कोएलिशन इन रिलेशन टू एंडिंग लिम्फैटिक फिलेरियासिस, तो आपने देखा होगा, वैसे तो भगवान ना करे कभी किसी को इस तरह की बीमारी हो, तो अगर आपने कभी देखा हो कि कभी कभी कुछ लोगों के पैर या हाथ वो स्वेल कर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल एलिफेंट के हाथ या पैर जैसे, इसीलिए इसको एलिफेंटासिस भी बोलते हैं, हम आगे इसको देखेंगे। ये पैरासाइट की वजह से होता है, किसके किसके काटने की वजह से होता है हम सब डिस्कस करेंगे, पहले हम ज़रा देख लेते हैं। तो उसकी भी 10th मीटिंग हुई थी, ग्लोबल कोएलिशन हुआ था लिम्फेटिक फेलियरासिस में, ये इंडिया में है, ये बीमारी इंडिया में है, इस वजह से इसे इंडिया में ये मीटिंग हुई थी। तो क्या ये मीटिंग शिमला में हुई थी, और क्या इसका इनॉग्रेशन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने किया है, क्या इस प्रोग्राम के दौरान जो JP नड्डा जी ने यहाँ पे GAELF अवार्ड दिए हैं 11 कंट्रीज़ को, और 73 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया सफरिंग फ्रॉम लिम्फेटिक फिलेरियासिस, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहले कुछ फैक्ट्स पढ़ते देखते हैं उनसे कौन से क्वेश्चन सही है गलत है, फिर उसके बाद हमको पता है जो अभी जो मीटिंग हुई थी पहली बात वो नई दिल्ली में हुई थी ना कि शिमला, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट था कि इसे क्या यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, जी हाँ उन्होंने किया। फिर उन्होंने श्री नड्डा जी गे GAELF अवार्ड इन्होंने 11 कंट्रीज़ को दिए हैं, तो हमारा जो स्टेटमेंट था क्या इन्होंने GAELF अवार्ड दिए 11 कंट्रीज़ को, BOC स्टेटमेंट दोनों सही हो जाते हैं। तो कंबोडिया, कुक आइलैंड, इजिप्ट, मालदीव, मार्शल आइलैंड, न्यूई, श्रीलंका, थाईलैंड, टोगो, टोंगो और वनुआतो जो है उनको इन्होंने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इनको GAELF अवार्ड दिया गया है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने एक एक्सेलरेटेड प्लान भी इशू किया है फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फैटिक फिलेरियासिस 2018 फॉर इंडिया, और इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स और डेवलपमेंट पार्टनर के साथ मिलके 100 डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो कि आउट ऑफ 256 एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स को एलिमिनेशन हमारा टारगेट है कि हम जो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे, और लिम्फैटिक फिलेरियासिस जिसको एलिफेंटासिस भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट और मोस्ट डेबिलिटेटिंग नेग्लेक्टेड डिजीज़ है, मतलब बहुत पुरानी डिजीज़ है, और अभी भी ये 73 कंट्रीज़ में है इंक्लूडिंग इंडिया। ये पहली बात तो पैरासाइट की वजह से होती है, ना बैक्टीरिया ना कोई वायरस, पैरासाइट इम्पॉर्टेंट है ये जानना। फिर उसके बाद ये एक इसको कॉज कौन करता है ये इम्पॉर्टेंट है, वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो ये मॉस्किटो है, याद रखिएगा ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर देंगे, तब याद रखिएगा इसे क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, और जो पैरासाइट होता है वो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी है, याद रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये क्यों होता है, क्योंकि डर्टी एक्यूमुलेटेड वाटर्स के पास ये होता है, और ये दूसरी ऐसी मीटिंग थी जो कि
इससे पहले भी सेकेंड मीटिंग हो चुकी थी इसी बीमारी के ऊपर दिल्ली में। तो ये इसकी 10th मीटिंग थी जो कि इंडिया में हुई है, और दूसरी मीटिंग कब हुई थी, दिल्ली में हुई थी 2002 में। तो इतना वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए किसकी वजह से कॉज होता है। नेक्स्ट है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू इशू अमृत बॉन्ड्स, अमृत योजना। तो अभी किस थर्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन हो चुका है जिसने अमृत योजना के अंडर बॉन्ड्स इशू किए हैं? तो म्यूनिसपैलिटी भी आपको पता है बॉन्ड्स इशू कर सकती है। तो इससे पहले ऑब्वियसली दो और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बॉन्ड इशू किए हैं, वो भी अमृत योजना में। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे अमृत योजना। बॉन्ड्स तो पहले भी म्यूनिसपैलिटीज़ जो है, जैसे बैंगलोर जो थी म्यूनिसपैलिटी ने बहुत पहले ही उन्होंने इशू कर दिया था, अहमदाबाद म्यूनिसपैलिटी कॉरपोरेशन ने भी बॉन्ड्स इशू किए थे, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अमृत योजना के बारे में बात हो रही है। तो आप इम्पॉर्टेंट ये चीज़ याद रखिएगा। और थर्ड कौन बनी है? थर्ड बनी है आपकी इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो फर्स्ट और सेकंड कौन है जो कि अमृत मिशन के अंदर बॉन्ड जिसने इशू किए हैं? तो वो है आपका, पहले तो पुणे है और दूसरा है हैदराबाद, इन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उन्होंने किए हैं। अच्छा, ये अमृत मिशन के अंदर क्या होता है आपको पता ही है कि अमृत मिशन के अंदर आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डेवलपमेंट के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए, फ्लड वाटर ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट और डेवलपिंग ग्रीन बेल्ट इन द एरिया, इन सब के लिए ये बॉन्ड्स इशू होते हैं ताकि पैसा इकट्ठा हो सके, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो हो सके। जैसे कि यहाँ लिखा है वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज के लिए, फ्लड वाटर ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट इन द अर्बन एरियाज। याद रखिएगा अमृत जो है वो ये अर्बन एरियाज़ के लिए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका, इस मिशन का नाम भी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अमृत मिशन है। तो याद रखिएगा ये नाम भी, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इनके जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो बॉन्ड्स हैं उनको डबल ए रेटिंग मिली है, मतलब बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छी रेटिंग होती है डबल ए रेटिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइस 2018। इसके बारे में भी शायद हमने डिस्कस किया है कि नॉर्मन ब्लॉक जो थे, जो जो वर्ल्ड के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात, मतलब उन्होंने ऐसे बीज उगाए थे या मतलब उनका इनोवेशन किया था जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वर्ल्ड में, तो उन्हीं के, उन्होंने ही ये वर्ल्ड फूड प्राइस जो है शुरू किया था। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन थे इसके फाउंडर। और फिर इंडिया में सबसे पहले, मतलब सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइस किसको दिया गया है, क्या वो कोई इंडियन थे, तो ये सब पता होना चाहिए। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज़। तो आपको ये चीज़ याद, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब तो आने ही वाले हैं। डॉक्टर लॉरेंस हडार्ड एंड डेविड नाबारो, ये दोनों की फ़ोटो है यहाँ पे, लॉरेंस हदाद एंड डेविड नाबारो, इनको मिला है इस बार 2018 का वर्ल्ड फूड प्राइज़। ये इनको मिला है ड्यूरिंग अ सेरेमनी एट द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और ये किस चीज़ के लिए इनको मिला है? क्योंकि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है ग्लोबल लीडरशिप इन एलिवेटिंग मैटरनल एंड चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन विद इन फूड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट डायलॉग एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल, रिड्यूसिंग द वर्ल्ड्स नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन बाय 10 मिलियन। तो आपको पता है 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो आप फिर सोच लीजिए फिर 10 मिलियन में कितने लाख होंगे। ठीक है, तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो उसमें 1 करोड़, 1 करोड़ बच्चों को इन्होंने 2012 से 17, 5 साल के अंदर 1 करोड़ बच्चों का स्टंटेड ग्रोथ को इन्होंने रोका है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दोनों ने साथ में ये काम किया है मैटर्नल और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के उसमें। और हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्यों ये जो है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जिन्होंने ब्रेक थ्रू कोई अचीवमेंट की हो इन हंगर एंड प्रमोट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए। और ये डॉक्टर लॉरेंस हदाद जो है वो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है, और डॉक्टर डेविड नबारो WHO यूनाइटेड नेशन ऑन हेल्थ के लिए काम कर चुके हैं। और इसे 1986 में जो इनके फाउंडर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के एंड नोबेल प्राइज़ विनर डॉक्टर नॉर्मन ब्लॉग ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड मिला था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, उनको मिला था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज है, ये सब आपको पता होने चाहिए।
एक एक चीज़ से बहुत 10 चीज़ें और निकल के आती है, इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही नहीं करा रही हूँ, उसके रिलेटेड फैक्ट्स भी बताती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाएगा जो इसमें दे रखा हुआ है। इसके अलावा भी किसने क्या किया, कौन क्या करता था, किसको पहला अवार्ड मिला, ये सब रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस बार का वैसे भी पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है, तो यू नेवर नो किस बार क्या पूछ लें, तो सब चीज़ों की पूरी प्रिपरेशन करिए। देन है थर्ड एनुअल मीटिंग ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो हुआ था थर्ड एनुअल मीटिंग उसकी कहाँ हुई थी, तो इसकी थर्ड एनुअल मीटिंग हुई थी आपके मुंबई, प्यारे मुंबई शहर में, और फिर यहाँ पे इसकी थर्ड एनुअल मीटिंग हुई थी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। यहाँ का इस बार इसको ऑर्गेनाइज़ किसने किया था, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। थीम थी कि मोबिलाइजिंग फाइनेंस फॉर इनोवेशन कोलाबोरेशन, फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड कोलाबोरेशन, तो इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, तो इसी के ऊपर फाइनेंस को मोबिलाइज़ करना ताकि इनोवेशन हो सके। और यहाँ पे इस बार इन्होंने एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम भी लॉन्च किया है, याद रखिएगा, और यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कैसे इनोवेटिव फाइनेंसिंग चाहिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स के लिए। और AIIB जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका काम है कि इम्प्रूव करना सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बियॉन्ड एशिया, और ये जनवरी 2016 में आई थी बॉडी, और इसके हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में, तो याद रखिएगा AIIB जो है इसके हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में 2016 में, अभी हाल फिलहाल 2 ही साल हुए हैं, इसलिए इसकी ये थर्ड मीटिंग है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2018, तो विच डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2018, तो वो है आपका बी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, नहीं ये सब नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में है। तो जान लेते हैं इसके बारे में भी, तो हमारी रक्षा मंत्री जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया है वर्कशॉप ऑन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। तो इसकी मेजर कंसर्न्स ये है कि जितने भी वल्नरेबिलिटी जो है डिफेंस सेक्टर में साइबर अटैक्स की वजह से, उसको हम जाने और उस वल्नरेबिलिटीज को ख़त्म कर दें, और जितने भी हैंडल करने हैं हमें साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, उन सबकी वर्कशॉप हुई थी वहाँ पे, इनको स्किल्स प्रोवाइड करी गई थी, और बस इतना ही है। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट डिक्लेयर्स नेशनल टारगेट्स फॉर ऑफशोर विंड पावर, तो आपने ऑनशोर विंड पावर का नाम तो सुना ही होगा, हम लोग जितने भी विंड पावर्स होते हैं वो आप मोस्टली ऑनशोर होते हैं, बट यहाँ पे ये ऑफशोर विंड पावर बनाया जा रहा है। अगर आपको पता हो कि जो हमने अपने टारगेट रखे हैं वो रखे हैं 175 गीगावाट, आपको मालूम होगा उसमें से क्या है 100 जो है वो सोलर पावर से हम जनरेट करेंगे, और जो बाकी 75 है उसमें से भी टारगेट है कि 60 समथिंग जो है वो विंड से होगा, और ये इतना समथिंग और भी रेन्यूएबल सोर्सेस से होगा, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसे पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है, यहाँ पे एक ऑफशोर इन्होंने एक विंड प्रोजेक्ट्स, अच्छा ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स की एक और बात है कि ऑनशोर विंड प्रोजेक्ट से ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट खड़ा करने का सोचा है इंडिया में, जिसकी कैपेसिटी होगी 1 गीगावाट, तो याद रखिएगा। और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर ये है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टारगेट जो है ऑफशोर, ये याद रखिएगा, ऑफशोर के लिए इन्होंने मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट सेट किए हैं 5 गीगावाट बाय 2022 एंड 30 गीगावाट बाय 2030, ये ऑफशोर के लिए है, और ऑनशोर विंड टारगेट जो है वो 60 गीगावाट है, और ऑनशोर 60 गीगावाट का जो हमारा ऑनशोर टारगेट है उसमें से 34 तो हमने ऑलरेडी अचीव कर ही लिया है, और सोलर टारगेट तो हमको पता ही है कि वो 100 गीगावाट है 2022 तक, जैसे कि मैंने 175 वाला आपको एक्सप्लेन किया ही था, 2022 तक 175 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आना है। फिर इसके बाद यहाँ पे भी कहा जाता है कि वे बहुत बड़े बड़े होते हैं विंड टर्बाइन्स ऑफ मच लार्जर डायमेंशंस होते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री ने नेशनल ऑफशोर विंड पॉलिसी जो है 2015 में इसको रिलीज़ किया था, और इसको कहाँ कहाँ पे लगाने का सोच रहे हैं, गुजरात में और दूसरे तमिलनाडु में ऐसे सोच रहे हैं, और
आगे हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट कैपेसिटी विच आर 5 GW पर 2022 एंड हाउ मेनी GW पर 2030। तो आंसर है 30 GW, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन बिल जो है, तो US सेनेट ने अभी पास किया है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, जिसमें उन्होंने डिफेंस टाइज को स्ट्रेंथन किसके साथ करने की बात करी है। तो आंसर है डी इंडिया। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि यूनाइटेड स्टेट्स अपना क्लोज अलाई बनाना चाहता है इंडिया को, और इंडिया ताकि इंडिया जो है वो मॉडर्न और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका से परचेज कर सके। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डिज़ास्टर रिस्क इंडेक्स 2018। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आंसर राइटिंग के लिए भी। तो इन सब ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन करके रखा करिए अपने आंसर्स में कि ऐसा कोई इंडेक्स आया है, उसको आप कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर में। तो इंडिया की पहली डिज़ास्टर रिस्क इंडेक्स जो है वो जून 2018 में, वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इसको इंडेक्स को प्रिपेयर किया है विद UNDP। तो याद रखिएगा डिज़ास्टर के बारे में बात हो रही है तो इसको किसने किया है, होम मिनिस्ट्री ने UNDP के साथ। फिर महाराष्ट्र को इन्होंने मोस्ट वल्नरेबल स्टेट का दर्जा दिया है इंडिया में सबसे ज़्यादा, मतलब कोई कुछ भी होता है तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। और महाराष्ट्र इज़ फॉलोड बाई वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, और दिल्ली इज़ द मोस्ट रिस्क एट यूनियन टेरिटरीज़। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और महाराष्ट्र में भी कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज़्यादा रिस्क है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, वो है पुणे, हमारा प्यारा पुणे, वो है सबसे ज़्यादा रिस्क पे। नेक्स्ट है नेशनल योगा ओलम्पियाड 2018। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ये सब क्या था, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना पता न्यू दिल्ली में हुआ था बस, और इसको इतने कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 11th कमीशन रिव्यू मिशन CRM रिपोर्ट जो है उसके ऊपर है, कुछ जान लेते हैं फिर देखते हैं क्या है ये नेशनल कॉमन 11th कॉमन रिव्यू मिशन रिपोर्ट। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉमन रिव्यू मिशन रिपोर्ट है ये नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर है, क्योंकि इंडिया ने 22% रिडक्शन देखा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में 2013 से। ये बहुत ही अप्रिशिएटेबल, आपसे पूछा जा सकता है कितने परसेंट का हमने रिडक्शन देखा, तो 22% का देखा है। और MMR जो है वो डिक्लाइन किया है 167 2011-13 से 130 2014-16 में। और ये सारा काम जो है आपको पता है हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं स्टेट, वही इन सबको पॉसिबल कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट बस यही था कि कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है, तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है, तो वो है 22% का, बस इतना इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 106 इंडियन साइंस कांग्रेस। तो हमने 105 जो फिफ्थ हुई थी इंडियन साइंस कांग्रेस, याद रखिएगा ये एक इंडियन साइंस कांग्रेस है, एक इंटरनेशनल इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस भी है, तो ये दो अलग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब दो अलग कॉन्फ्रेंस हैं, अलग है जो भी साइंस के ऊपर। तो याद रखिए ये सिर्फ इंडियन साइंस कांग्रेस की बात हो रही है। 106 जो 105 हुई थी इस साल, वो हुई थी मणिपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो मणिपुर यूनिवर्सिटी में इस साल हुई थी। 106 जो कि अगले साल होने वाली, वो होने वाली है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। तो 105 इस साल हुई है, 106 अगले साल होने वाली है। और एक बार इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो 105 की जो थीम थी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर जिसको याद हो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखे, हम मुझे ही पता चले कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं 105th इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम। नेक्स्ट है 23rd यूरोपियन यूनियन फिल्म फेस्टिवल 2018। तो कहाँ पे ऑर्गन, मतलब कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो आंसर इसका न्यू दिल्ली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे GATS रिपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहले इसका हम देख लेते हैं क्या न्यूज़ है, उसके बाद क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक सर्वे हुआ है ग्लोबल एडल्ट टबैको सर्वे रिपोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये देखने के लिए हुआ है कि कितने लोग जो है एडल्ट जो है वो टोबैको कंज्यूम करते हैं और उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फेज हुआ था ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे का 2009-10 में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, और इस बार 2017 में भी इसका सेकेंड फेज़ हुआ है।
और यहाँ पे ये डिस्कस है कि हिमाचल प्रदेश ने काफ़ी अचीव किया है, 6th हाईएस्ट डिक्लाइन इन टोबैको यूज़। टोबैको यूज़ में उन्होंने 6th हाईएस्ट डिक्लाइन किया है, अबाउट 24% डिक्लाइन है। और क्योंकि जो टोबैको की प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द हेविली यूज्ड एडिक्टिव प्रोडक्ट है। और यहाँ पे शिमला वॉज डिक्लेयर्ड, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट, कौन सा हमारे यहाँ सिटी ऐसा है जिसने फर्स्ट टोबैको फ्री सिटी है, वो है शिमला, याद रखिएगा शिमला। और एंड सून आफ्टर हिमाचल ऑल्सो वॉज डिक्लेयर्ड एज टोबैको फ्री। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अवेयरनेस हम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, पुलिस, NGO, पंचायती राज और मीडिया के थ्रू कॉन्टिन्यूस वर्किंग से इसको अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। ये अपने आप आंसर राइटिंग में भी इसको इंक्लूड करें कि अवेयरनेस प्रोग्राम कहाँ कैसे हो सकते हैं, जैसे कि इन्होंने अचीव किया, हिमाचल प्रदेश ने अचीव किया है, और शिमला को उन्होंने फर्स्ट टोबैको फ्री सिटी का दर्जा दिलवा दिया। और इसमें इतना ही है, और इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018। तो हम इस पे बारे में देख लेते हैं, ये हैकाथॉन जो था ये क्या था और किसके ऊपर था। तो ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, ये हार्डवेयर एडिशन था। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के अंदर दो एडिशन होते हैं या और भी होते हैं, उसमें से एक है एडिशन हार्डवेयर का। तो यहाँ पे ये मिनिस्ट्री, अच्छा पहले पिछले क्वेश्चन का हमने MCQ सॉल्व करना था कि GATS रिपोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश की वो रिलीज हुई थी। इन रिलेशन टू दिस रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स ने उसे क्या कहते हैं लॉन्च किया है। आप बताएं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है? जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है। और दिस सर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सर्वे कितने स्टेट्स में क्या क्या हुआ था, ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, वो है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पे हार्डवेयर एडिशन हुआ था। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक प्रोग्राम है, एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसपे रेवोल्यूशनरी चीज़ें लानी है। और यहाँ पे ये एडिशन हार्डवेयर एडिशन का था, ये तो चीज़ें पता होनी चाहिए। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी के लाइन्स पे है, और ये जो हार्डवेयर एडिशन है वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का एक सब एडिशन है। और इसमें कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट है, मेरे ख्याल से इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। स्टेरलाइट कॉपर फैक्ट्री आपने तमिलनाडु में सुना ही होगा कि इसको क्लोज कर दिया गया है। ये सेक्शन वेक्शन कभी नहीं पूछेंगे, इतना बस पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में एक स्टेरलाइट कॉपर फैक्ट्री थी थोटू कुड़ी में, उसको बंद करवा दिया गया है क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसको बंद करा दिया गया। और ये वेदंता लिमिटेड की ये फैक्ट्री थी, बस इतना ही पता होना चाहिए। और दिस इज़ द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर मेकिंग प्लांट था, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर मेकिंग प्लांट था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडियन एयरफोर्स टू क्रिएट एयर ब्रिज फॉर मानसरोवर यात्रा। तो मानसरोवर यात्रा के लिए इन्होंने कौन सी दो प्लेसेस को एयर ब्रिज प्रोवाइड करने की बात है, पिथौरागढ़ और गुंजी को। तो याद रखिए पिथौरागढ़ और गुंजी जो है उनको ये एयर सर्विस प्रोवाइड करेगी। एयर ब्रिज सर्विस मतलब होता है कि आप मटेरियल या रिसोर्सेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एयरलिफ्ट के थ्रू भेजते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन्स ने एयर ब्रिज को यूज़ करते थे अपनी मटेरियल और रिसोर्सेस पहुँचाने के लिए। और यहाँ पे इंडियन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाएगा ताकि डेली 60 से 70 पैसेंजर्स को एक दिन में लेके जाए और कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करवाएं। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो विच स्टेट हैज़ गॉट द लोएस्ट पोजिशन इन, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन में पेपर में ज़रूर आने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में इसको रट लीजिए। तो ये लास्ट रैंकिंग किसको दी है, तो लास्ट रैंकिंग झारखंड, झारखंड लास्ट आया है इस कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में, और गुजरात ने टॉप मारा है। और याद रखिएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसको पहले बनाया किसने है, इस इंडेक्स को नीति आयोग ने बनाया है। फिर उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसने टॉप मारा है, उस पर सेक्शंस होते हैं। एक हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का सेक्शन होता है, एक नॉन हिमालयन स्टेट्स का सेक्शन होता है। नॉन हिमालयन स्टेट्स में वो है गुजरात, उसने टॉप मारा है। उसके बाद मध्य प्रदेश सेकेंड है और आंध्र प्रदेश थर्ड है, कर्नाटका फोर्थ है, महाराष्ट्र फिफ्थ है। और नॉन हिमालयन स्टेट्स पे झारखंड जो है वो लोएस्ट पोजिशन पे है।
और झारखंड से थोड़ा सा बेहतर, मतलब अच्छा नहीं, थोड़ा सा बेहतर है हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार का। और फिर उसके बाद जैसे हमको मालूम है कि ये सारे स्टेट्स ने बहुत ख़राब किया और सबसे ख़राब झारखंड ने किया है। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में सबसे अच्छा किया त्रिपुरा ने और सबसे ख़राब किया मेघालय ने। मेघालय ने सबसे ख़राब किया, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से हमारे यहाँ पे बहुत सीरियस वाटर क्राइसिस है कंट्री में और काफ़ी लोगों की जान जाती है। अराउंड 600 मिलियन पीपल अब बैटलिंग फॉर वाटर प्रॉब्लम और हर साल 2 लाख लोग मरते हैं क्लीन वाटर के एक्सेस के बिना, उसकी उनको नहीं मिल पाता। इस वजह से 2 लाख लोगों की हर साल मौत होती है। 2030 तक हमें वाटर की जो सप्लाई है उसको डबल करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन भी 2030 तक डबल हो जाएगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 1.3 मिलियन लोग ऐड हो जाएंगे, इतना इतना डेटा है कि 1.3 मिलियन लोग ऐड हो जाएंगे इंडिया में ही। तो उसको उनकी वाटर रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए हमें अपने वाटर सप्लाई को डबल कर देना होगा। फिर उसके बाद ये है कि इन्होंने जो रिपोर्ट है, दिस रिपोर्ट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन एंड कीपिंग व्यू इन द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर फॉर लाइफ, जो इनकी रिपोर्ट है हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया, जिसने सारे स्टेट्स और यूटी को कवर किया है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट का नाम क्या है और सब, कौन टॉप था कौन लास्ट था, और ये पहला ऐसा चीज़ जो है कंडक्ट हुई है। डेटा इन्होंने कहाँ कहाँ से लिया है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन से लिया है, देर इन्हें सेंट्रल वाटर कमीशन से भी इन्होंने डेटा लिया है। तो ये काफ़ी एक तरीके की जॉइंट सॉर्ट ऑफ एक इंडेक्स बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है डैम सेफ्टी बिल। तो इस नेशनल वीडियो में काफ़ी सारे आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मैं सिर्फ ऐसे ही कवर नहीं कर सकती। इसके लिए ऑब्वियसली मुझे थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, ऐसे एक्सप्लेन करूँगी ऊपर ऊपर से तो आपको ऑब्वियसली समझ में भी नहीं आएगा, और दूसरे एग्जाम में डिटेल में पूछ लिया गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करना ही पड़ता है हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपके लिए सुविधा रहे। देन डैम सेफ्टी बिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये जो बिल हुआ है, ये इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस अप्रूवल दिया है सारे स्टेट्स और यूटीज़ को कि वो यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी प्रोसीजर्स अपनाएं। आपने कई बार सुना होगा कि कोई डैम वहाँ पे टूट गया तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जानों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, और इसी वजह से एक तरीके का इन्होंने एक सेफ्टी प्रोसीजर के लिए एक बिल बनाया है। उसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे एक नेशनल कमेटी बैठेगी ऑन डैम सेफ्टी बिल। यहाँ पे नेशनल कमेटी बैठेगी जिसका काम होगा कि वो इवॉल्व करे डैम सेफ्टी पॉलिसीज़ को एंड रिकमेंड नेसेसरी रेगुलेशंस एज वे बी रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो होगी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसका काम क्या होगा कि इम्प्लीमेंट द पॉलिसी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स। और यहाँ पे ये जो द बिल प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट वाले जो स्टेट है वो अपना स्टेट कमेटी बिठाएंगे ऑन डैम सेफ्टी, और जो नेशनल सेंट्रल लेवल पे नेशनल कमेटी बिठाई जाएगी डैम सेफ्टी के ऊपर, और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि पूरा रेगुलेटरी फंक्शन देखेगा इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। तो काम क्या होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का, कि सारे जो स्टेट्स हैं उनके स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस और ओनर्स ऑफ डैम को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करना, टेक्निकल और मैनेजेरियल असिस्टेंस देना, डेटाबेस तैयार रखना, कोई मेजर डैम फेलियर हो तो उसका पूरे एग्जामिनेशन करना, गाइडलाइंस चेकलिस्ट तैयार करना, ऑर्गेनाइजेशंस जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू डैम्स का देख रेख करना, और जो अगर कोई इश्यूज है दो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन मतलब दो स्टेट्स के बीच में तो रिजॉल्व करवाना। तो ये सब काम है। और एक स्टेट कमेटी, जैसे मैंने बताया कि स्टेट कमेटी बैठेगी स्टेट लेवल सो नेक्स्ट है पे। कैबिनेट अप्रूवल टू रीपोजिशनिंग ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो काउंसिल होती है वो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होती है। 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और आपका प्यारा सिक्किम। तो इन सबके जो इन सबके लिए ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल रखी जाती है। इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे होम मिनिस्टर होंगे, और इसके जो आपके
वाइस चेयरमैन होंगे वो मिनिस्ट्री जो है डोनर की जो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो उसके वाइस चेयरमैन होंगे। तो इसी के ऊपर ही पूरा आर्टिकल था। और यहाँ पे ये एक ऐसा फोरम है जिसमें ये सारे 8 स्टेट्स के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर आते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको बताते हैं, और होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री जो है डोनर की वो इसको इनके सारे प्रॉब्लम्स को इंटर स्टेट इश्यूज़ को लाइक स्मगलिंग और एमिनेशन, बाउंड्री डिस्प्यूट्स और हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेकर, सबके लिए यहाँ पर डिस्कशंस होता है ताकि ये जो बॉडी है इसको बहुत ही इफेक्टिव बनाया जा सके। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है वो स्टैब्लिश हुई थी, अगेन इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 की। तो ये पहले पहले ये बॉडी थी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में नहीं था कुछ इसके बारे में, बट ये 1971 में इसको अलग कर दिया गया और यहाँ पे एक एक्ट के थ्रू इस काउंसिल को बनाया गया था। और इसके बाद इस पे सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, जैसे 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ था और यहाँ पे रीजनल प्लानिंग बॉडी जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की उसको बनाया गया था वाइल फॉर्मुलेटिंग अ रीजनल प्लान्स। तो ये जो है इतना इम्पॉर्टेंट है, बट इतना पता होना चाहिए कि ये जो है एक्ट के थ्रू, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया है। फिर श्री पीयूष गोयल जो है उन्होंने डेडिकेट किया है NLCIL 300 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट टू नेशन। तो ये जो है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये आपके तमिलनाडु में है, ये एक नवरत्न प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था ऑन डिस्कवरिंग ऑफ लिग्नाइट डिपॉजिट्स इन तमिलनाडु, इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीएम ने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एट नया रायपुर। तो जो नया रायपुर जो जगह है वहाँ पे उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट नई जो है उसको एक्सपैंड करेंगे, वहाँ पे उसको फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। एक IIT भिलाई भी वहाँ पे बनेगा, वहाँ पे भारत नेट का फेज 2 प्रोजेक्ट भी चलेगा। और इन्होंने उस टाइम पे इनॉग्रेट किया है कि जगदलपुर से एंड रायपुर को दोनों को इंटीग्रेट करेंगे एयर सर्विसेज के थ्रू, तो जगदलपुर से रायपुर को याद रखिएगा। और नया रायपुर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं तो वो सब भी चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पे ये इनॉग्रेट किया है इस एयर सर्विसेज को भी इन्होंने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। नेक्स्ट है डिसीजन टू स्टार्ट प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी मिशन। तो आपको आयुष्मान भारत योजना के बारे में काफ़ी कुछ पहले भी डिस्कस हो चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना। ये जो हमारी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से ये बेनिफिशरीज को चुनेंगे, 10 करोड़ जो फैमिलीज को चुनने की बात है, तो 10 करोड़ फैमिली कैसी चुनी जाएंगी इस सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 से चुनी जाएंगी। और हर फैमिली को 5 लाख रुपए तक का ये योजना प्रोवाइड करेगी कि वो अपना हेल्थ मिशन के अंडर जाके कोई भी जो है अपना बीमारी जो है उसको ट्रीट करा सकते, फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं वो फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे टू अबाउट 1.18 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो 10 करोड़ तो ये स्कीम कवर करती है और 1.18 करोड़ जो है उस 10 करोड़ में से स्टेट गवर्नमेंट उनको वो प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे हमने सब डिस्कस किया ही है कि 5 लाख रुपए पर एनम दिए जाएंगे किसी भी स्टेट लिस्टेड या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कि लिस्टेड है वहाँ पे, अगर जो उनका एक्सपेंडिचर आएगा उसके इसके लिए। और यहाँ पे इन्होंने जो और भी जो सारी स्कीम्स थी जैसे, तो उन सबको इसमें एमैलगमेट कर दिया गया है। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था पिछले आर्टिकल में, तो इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डिवेल्प करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है आयुष्मान मित्रा बनाए गए जो रिक्रूटमेंट करेंगे बेनिफिशरीज एंड अदर असिस्टेंस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। तो ये आयुष्मान मित्रा जो है एक कोऑर्डिनेशन की तरह या फिर एक इंटरफेस की तरह एक्ट करेंगे इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। तो ये है इसके बारे में। नेक्स्ट है फोर्थ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो याद रखिएगा ये दूसरी चीज़ है और जो इंडियन साइंस कांग्रेस ये एक दूसरी चीज़ है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, दोनों कंफ्यूज मत करिएगा। जो फोर्थ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ है वो लखनऊ के शहर में हो रहा है और यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक एक्सपो होगा जहाँ पे मोर देन 3 लाख पीपल जो है वो अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पे आएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। और
इस पे ऐसा कुछ खास और नहीं है डिस्कस करने का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड टू इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे, तो वो इंडिया आए थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग की थी और ये इनकी सेकेंड विजिट रही है, ये एक हाई लेवल मीटिंग रही है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जो नीदरलैंड है वो हमें किस किस चीज़ों में हेल्प करेगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और नेचर, फूड क्वालिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर मैनेजमेंट, मेडिकल केयर, ये सब है। इन ये सारी मीटिंग्स इन लोग के बीच में हुई हैं और ये हमें हेल्प करेंगे। ट्रेड मिशंस रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज़, वाटर, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज, IT और ओशन केयर एरियाज़ में। हम जो इंडिया है वो नीदरलैंड के साथ इन सब एरियाज़ में कॉपरेट करेगा और यहाँ पे हाई लेवल डिस्कशंस हुए हैं, हमने जैसी बात करी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि नीदरलैंड ने जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसको साइन किया है और वो 64th सिग्नेटरी हो चुका है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडो डच गंगा फोरम होगा जिसमें MOU साइन हुआ है इंडिया के वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री के साथ और नीदरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट के साथ, कि वो हमें हेल्प करेंगे गंगा को क्लीन करने में और गंगा को प्रोटेक्ट करने में। और इंडो डच CEO जो है वो भी एक तरीके का फोरम हेल्ड हुआ था और ये सब इम्पॉर्टेंट है, बस इतना। और ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नीदरलैंड जो है वो इंडिया का 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, तो ये चीज़ इसलिए हमारे लिए नीदरलैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंट्री का 100th फंक्शनल एयरपोर्ट कहाँ पे हुआ है शुरू। आपको सबको पता है पैकियोंग एयरपोर्ट जो सिक्किम में है, ये 100th फंक्शनल एयरपोर्ट है। याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि ये 100th नहीं है, ये 121 है या फिर कुछ और नंबर बोलते हैं। इतना याद रखिएगा, यहाँ पे फंक्शनल एयरपोर्ट की बात हो रही है। फंक्शनल एयरपोर्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे फ्लाइट्स जो है वो आती जाती रहती है, ये नहीं कि वो जो ऑपरेशन में ही नहीं है जो एयरपोर्ट्स। तो वो होते तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं, बट ये है कि 100th ये हमारा ऑपरेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे फ्लाइट्स आई जाएंगी, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और ये सब के बारे में है। बस इतना पता होना चाहिए कि 100th कहाँ पे हुआ है, तो ये है पैकियोंग जो है सिक्किम में, वहाँ पे हुआ है। तो ये भी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है नेशनल का, अभी दूसरे भी महीनों के नेशनल एक साथ ही कंप्लीट करेंगे, तो बने रहें।